हे गाइस वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे आई नो बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट तीन चार महीने हो गए हैं बिकॉज मैं अपने ऑफिस में नहीं था मेरे पास सेटअप नहीं था बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं आपको रेगुलर अपडेट दे सकूँ इसी तरह से वीडियो बना के जहाँ पे भी हूँ जिस भी तरीके से बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ रेगुलर रहूँ एनी वे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेजरली दो चीज़ों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इज़राइल और गाजा की जो वॉर चल रही है उसका हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर ये वॉर एक्सटेंड होती है तो यहाँ पर पूरी मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे साथ साथ बात करेंगे जो मार्केट के अंदर रूमर्स चल रही है कि बिटकॉइन ई अप्रूव होने वाली है तो अगर बिटकॉइन ई अप्रूव हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर तक हमें बिटकॉइन के क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को आगे देखने से पहले अभी के लाइक कर दीजिए सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और गाजा के बारे में जैसे कि आपको पता है सेवन अक्टूबर को यहाँ पे वॉर जो है स्टार्ट हो गई थी जहां पे गाजा के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है हमस उन्होंने अटैक कर दिया था इसराइल के सिविलियंस पे जिसके बाद से इसराइल ने फुल फ्लैज वॉर जो है डिक्लेयर कर दी थी एंड जैसे ही ये वॉर डिक्लेयर हुई वहां पे हमें गोल्ड का प्राइस एकदम से ही पंप होता हुआ दिखा जहाँ पे अठारह कुछ गोल्ड का प्राइस चल रहा था हमें पंप होके सिक्स सेवन का जंप देखने को मिला और अभी के टाइम में उन्नीस जो है गोल्ड का प्राइस चल रहा है वहीं पर बिटकुन का प्राइस सडनली हमें ड्रॉप होता हुआ दिखा जहाँ पे बिटकुन का प्राइस 28000 डॉलर चल रहा था 7th ऑफ अक्टूबर को वहां पे बिटकॉइन का प्राइस जो है 26500 डॉलर तक आ गया था देन उसके बाद बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल की न्यूज़ आई और हमें एकदम से ही बिटकॉइन के अंदर 10% का स्पाइक देखने को मिला उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ा जैसी हमें वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पे सेफ हेवन एसेट्स होती है जैसे कि सिल्वर गोल्ड इनके अंदर लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और जो हाईली वोलेटाइल एसेट्स होती है जिसमें आप बिटकॉइन भी बोल सकते हो उसमें से लोग जो है अपनी मनी विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहां पे जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो जाता है लोगों को पता नहीं होता फ्यूचर में क्या हो सकता है सेम सिचुएशन हमें यूक्रेन और रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब देखने को मिली जहां पर बिटकॉइन का प्राइस हैवी क्रैश हुआ लेकिन इस बार हमें कुछ क्रैश देखने को नहीं मिला बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ज्यादा क्योंकि बिटकॉइन अभी भी स्टेबल है 28500 डॉलर पे जो कि काफी अच्छी बात है और यहाँ पे 30000 डॉलर के ऊपर अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है तो काफी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है अब ये वॉर की बात करें तो जहां पे अमेरिका है उसने इजराइल को सपोर्ट किया काफी कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट किया और जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज है वो जो है गाजा को सपोर्ट कर रही है बट यहाँ पे इशू ये आ सकता है जब भी हमें मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी क्राइसिस देखने को मिलते हैं कोई भी वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिलती है तो ऑयल के प्राइसिस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सेम सिचुएशन हमें नाइनटीन के अंदर देखने को मिली थी जब इसराइल और गाजा की वॉर हुई थी तब अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया था जिसकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज थोड़ा सा एंग्री हो गई थी और उन्होंने जो ऑयल की सप्लाई है वो कम कर दी थी जिसकी वजह से तीन से चार गुना जो है ऑयल का प्राइस बढ़ गया था सेम सिचुएशन अगर यहां पे ऑयल की सप्लाई कम होती है तो यहां पे हमें ऑयल का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो यहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा थोड़ा और हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है तो यहां पे अगर ये बोर एक्सटेंड होती है यहां पे अगर दूसरी कंट्रीज बोर के अंदर एंटर हो जाती है दूसरी मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करती है गाजा को तो यहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा क्या करना है आपको थोड़ा सा मार्केट से एकदम एक्टिवली आपको ट्रेड नहीं करना है आपको थोड़ा सा दूर से देखना है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है सही तरीके से ऑब्जर्व करना है चीजों को क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी बड़ी मूवमेंट होती है तो हमें सीधा बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो कि हमें रशिया वर्सेस यूक्रेन की वोर के अंदर देखने मिला जहां पे बिटकॉइन का प्राइस काफी ऊपर चल रहा था और पूरी मार्केट जो है कंटिन्यूसली क्रैश होती रही इसके जो हम बात करते हैं बिटकॉइन ए अप्रूवल के बारे में यहाँ पे कोई टेलीग्राफ ने ट्विटर के ऊपर एक न्यूज शेयर कर दी थी जो कि उन्होंने बाद में बोला कि गलती से हमने शेयर कर दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो बिटकॉइन की ए टी है वो अप्रूव हो चुकी है जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस साइस डॉलर से थर्टी थाउजेंड डॉलर यानी कि ऑलमोस्ट टेन परसेंट का हमें क्विक जंप देखने को मिला था लेकिन बाद में जब उन्होंने बोला कि हमने गलती से न्यूज शेयर कर दी है

2024 तक हो जाएगी डेडलाइन हमें जनवरी 2024 के अंदर देखने को मिलेगी एंड फाइनल जो डेडलाइन है जब तक इनको अप्रूव करना ही पड़ेगा अप्रूव या रिजेक्ट जो भी है फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा वो है मार्च 2024 तक यानी कि नेक्स्ट तीन चार महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मुझे जो पर्सनली लगता है वो मुझे लगता है कि बिटकॉइन ETF जो है वो उसके काफी ज्यादा चांसेस अप्रूव होने के क्योंकि बैक टू बैक काफी बड़ी कंपनीज ने ईटीएफ अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है और साथ साथ नेक्स्ट ईयर हमें बिटकॉइन हालविंग भी देखने को मिलेगी आपको पता है जैसे ही बिटकॉइन हालविंग आती है वहां से हमें कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन का पंप देखना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो ये क्या आपके लिए राइट टाइम रहेगा बिटकॉइन में या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करना तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी एंट्री नहीं लिया है तो आप अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं बट साइड बाय साइड हमारे वॉर की सिचुएशन भी चल रही है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है आपको एकदम से पूरा पैसा नहीं डाल देना है बट अभी मार्केट इतनी ज्यादा डाउन है बिटकॉइन के सिवा अगर हम दूसरे अल्टकोइन की बात करें डोट की बात करें लिंक की बात करें किसी भी अगर मेजर अल्टकोइन की बात करें तो अपने ऑलमोस्ट बॉटम लेवल पे चल रहे हैं तो यहां पे अगर हम टू के अंदर टी अप्रूव होती है हालविंग होती है तो हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं बाकी मैं साथ के साथ आपको अपडेट करता रहूंगा कुछ भी हमें चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं एंड बिटकॉइन ए अप्रूवल डेफिनेटली एक बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है क्योंकि अगर बिटकॉइन अप्रूव हो जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट के अंदर वन ट्रिलियन डॉलर तक एड हो सकते हैं और आप, आपको पता है कि वन ट्रिलियन डॉलर अगर मार्केट के अंदर एड होता है तो बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है हंड्रेड थाउजेंड डॉलर भी चला जाए तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट क्या हमें देखने को मिलता है अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड होपफुली हम होप अब आपके लिए वीडियो लेके आएंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय टेक केयर जय हिंद